अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। वकार एंड आशी व्लॉग्स में आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज थी जी मेरी ब्राइडल मेहंदी का फर्स्ट डे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। ये काशिश का डिज़ाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और मुझे आज पहली बार ट्राईपॉड सेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल भी मैं तो ट्राईपॉड और रिंग लाइट सेट करने में इतना मुझे मसला हुआ, आप अभी भी देख रहे हैं कि सही से जो है ना ट्राईपॉड सेट नहीं हो पाया मुझसे। और जो मेहंदी है वो मैंने लगानी थी, तो शुक्र अल्लाह का मेहंदी बहुत अच्छी लगी। और एक आप लोग चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने ब्राइडल मेहंदी लगानी हो या किसी को भी कोई भी मेहंदी लगानी हो, तो प्लीज़ ये चेक कर लीजिएगा कि आपकी मेहंदी बहुत अच्छी हो और बहुत सही से निकल रही हो। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरी मेहंदियाँ ख़त्म हो गई थी, तो एक मेहंदी मेरे पास पड़ी हुई थी, उसके साथ मैं एक और भी नई मेहंदी लेके गई हुई थी। तो मैं मेहंदी लगा रही थी तो एक जो मेहंदी थी ना वो थोड़ी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो मैंने पहले ही शुरू कर ली थी। क्योंकि मेहंदी का बारीक निकलना और बड़े आसानी से निकलना बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कोई भी मेहंदी कहीं से भी ले लेते हैं तो वो अच्छी लें और सही से जो बारीक निकल रही हो, क्योंकि मेहंदी का बारीक निकलना इस डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ना ज़रूरी है। क्योंकि ये काशी इसका डिज़ाइन है मेहंदी का, और ये बहुत ही बारीक और बहुत ही नाजुक तरीके से लगती है। अभी आप देख लीजिएगा कि जब तक मैं ये मेहंदी लगाती रही हूँ इसमें से बहुत बारीक निकल रही थी, और ये डिज़ाइन भी काशीज़ का ही है, तो इतने अच्छे तरीके से लग गई थी। और जब मैंने दूसरी मेहंदी लगाना शुरू की तो उसमें से मोटी मोटी निकल रही थी और बहुत फंस फंस के निकल रही थी, पर शुक्र अल्लाह का मैंने पूरी मेहंदी कंप्लीट कर रही थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ये भी अपना एक टैलेंट शेयर कर लूं कि मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। बार बार कैमरे में मेरा सर आ रहा था, तो पर मैं आपको पूरा मेहंदी का अपना जो था ना वो दिखाना चाह रही थी कि मैं ऐसे ब्राइडल शूट का एक मतलब मेहंदी लगा रही थी। तो ट्राईपॉड मैंने सेट किया हुआ था, और मेरे पास एक कपड़ा था, फैंसी सा दुपट्टा था, वो मैंने नीचे रख लिया सिंपल सा, और ऊपर हाथ दुल्हन जो था ना वो मैंने रखवा लिया। मैंने कहा इस तरह से आप अच्छे से मेहंदी लगवा लें, तो एक हाथ पे मैंने उनको लगा दिए। तो ये आप जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही मुश्किल तरीन मेहंदी लगाने का काम है, और ये बस जिसको भी आता हो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, लड़कियों को तो आना ही चाहिए। तो मैं भी लगा रही हूँ, मुझे बहुत पहले से मैंने सीखा हुआ था, मतलब खुद ही मुझे आती थी मेहंदी लगानी, तो मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, फिर दोबारा से मैंने शुरू की। जैसे ही क्या मतलब मेरी दोस्तें या बहनों को लगानी या कज़नों को लगानी, भतीजियों को लगा देनी, तो ऐसे ही मुझे लगानी आ गई मेहंदी। हेयर स्टाइल वगैरह भी मुझे बनाने आते हैं और मेहंदी भी, तो क्यों नहीं, मैंने कहा कि मैंने आज मेहंदी लगानी है तो मैं क्यों ना आप लोगों को साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ ये बात और आप लोगों को दिखाऊं। और इसमें बहुत ही बारीकी का काम था। अभी तो मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, एक घंटे की थी तकरीबन, कि पता नहीं आधे घंटे की थी, तो मैंने शॉर्ट्स में आपको ये थोड़ी छोटी करके दिखाई है कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और इंशाल्लाह से फिर मैं दोबारा एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगी इसका, और आपको सही अच्छे से ट्राईपॉड सेट करके भी बताऊंगी कि ऐसे सेट करके आप मेहंदी लगा सकते हैं और वीडियो भी साथ साथ शूट कर सकते हैं जिसमें आपको सही से नज़र आ रहा हो। अभी यह मुझे ख़ुद भी मुश्किल हो रही थी और नज़र नहीं, मतलब ज़्यादा करीब से नज़र नहीं आ रहा था, पर पूरी वीडियो जो है आप एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी एंड पर अच्छा सा शूट और अच्छी सी वीडियो की पूरी जो है ना वो आपको क्लिप सा मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही बारीक जो है ना मैंने यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से लगाई थी, पर इतना टाइम नहीं लगा था क्योंकि जहाँ मैं मेहंदी लगाने गई थी वहाँ पे सुबह से लाइट जो थी ना वो गई हुई थी, और 5 बजे तकरीबन शाम को आई, वरना मैं टाइम से ये कर लेती। तो ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे से फूल बनाने और उसकी जो पत्तियाँ हैं उनको आपने बनाना है, और बारीकी की जो मेहंदी होती है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत नज़र का काम होता है, तो इसलिए आप अच्छे से मेहंदी लगाएं। और किसी को अगर लगवानी भी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके मुझसे लगवाना भी अगर चाहें तो लगवा सकते हैं। तो ब्राइडल को भी मेहंदी लगाती हूँ, ईद वगैरह पे भी मेहंदी लगाती हूँ, और हर तरह की मुझे मेहंदी लगानी आती है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक साइड से मैंने बारीक बारीक लाइनें लगाना शुरू की हैं। तो मैं अपनी स्केच बुक पर ड्रॉ करती हूँ, तो उस पर फिर मैं मेहंदी लगाती रहती हूँ कि अच्छे से लग जाए और सफाई से लगे, क्योंकि मेहंदी का अच्छे से लगना और सफाई से लगना बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगनी अच्छी होती है। कि अगर आप सही ना लगा सकें तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है। कि अगर कोई दुल्हन है या कोई भी आप पे ट्रस्ट करके आपसे मेहंदी लगवाता है तो फिर उसका हाथ ख़राब हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपने हाथ पे भी कभी कभी लगाती हूँ, पर अभी बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा, कि मैंने अपने हाथ पे लगाई नहीं है। तो माशाल्लाह इनके हाथ बहुत खूबसूरत है जिनके हाथ पे मैंने लगाई है। तो सही गोरे चिट्टे और सही अच्छा सा डिज़ाइन उसके ऊपर बन गया पूरा, जो भी मैंने दिमाग में सोचा हुआ था कि ये तो आज मैंने लगा के रहना है। तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन पूरा मुकम्मल उनके हाथों पर लग गया था। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। अब मैं इतना ज़्यादा बोल बोल के तो मैं फास्ट वीडियो कर देती हूँ कि आपको आसानी से नज़र आ जाए और आप पूरे मुकम्मल देख लें।
But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here.